आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव सत्तीखेड़ा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर और ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। 1300 वोट और 3000 जनसंख्या वाले इस गांव की कमान शीशपाल के हाथों में है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्ष में इन्होंने इस गाँव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी भी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के सत्तीखेड़ा गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ 4 साल आपके विकास कार्यकाल को जो है पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास आपने यहाँ करवाए अब तक? सर, प्रथम को आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जी, और मैं आप बताना चाहूँगा कि मेरे ग्राम पंचायत सत्तीखेड़ा में 1229 वोट ग्राम पंचायत है मेरी, लगभग 70% मैंने RCC टाइल्स के काम कराए हैं जी। बिल्कुल, जो पात्र व्यक्ति हैं, लाभार्थी हैं, शौचालय वाले, प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय दिलवाए हैं। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत, ओडीएफ हो गई है। और मेरे ग्राम पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास हैं, जो व्यक्ति पात्र थे, लगभग उन्हें मकान भी दिलवाए हैं। कितने आवास हैं हम लोगों में? मेरे ग्राम पंचायत में 7 आवास हैं। और मैंने जूनियर प्राइमरी स्कूल, बाउंड्री वाल, शौचालय और सब गेट वगैरह सब कम्प्लीट करा दिए। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिल पाता है आपके ग्राम पंचायत में? जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जब उसमें हुए थे, ये हुए हैं सब लोगों के यहाँ? हाँ, मेरे ग्राम पंचायत में उज्ज्वला योजना के तहत सभी को सिलेंडर, जो पात्र व्यक्ति थे, सभी को लगभग मिल चुके हैं। और कुछ रह गए हैं तो उनके भी चल रही है प्रक्रिया। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा कितने परसेंट लोगों का आ रहा है? 75% से 80% किसान सम्मान निधि का खाते में लोगों के घर में पैसा आ गया है, मिला है किसानों को, मिल गया है। अभी जो है 20-25% किसान ले रहे हैं। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई? सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई मैंने सबसे पहला काम मेरा सोलर लाइट है जी। मैंने 5 सोलर लाइट लगवाई हैं। सफाई की व्यवस्था कैसी है आपके गांव में? सफाई की, मेरे ग्राम पंचायत में सफाई का भी तैनात है, वो बिल्कुल नियमित हिसाब से आता है। और क्या बोले, मानक के हिसाब से हमने उसमें लिस्ट बना रखी है और रूल बाय रूल सफाई करता है। स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर, ये हैं आपके ग्राम पंचायत में? मेरे ग्राम पंचायत में प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, और मैंने बारात घर के लिए प्रस्ताव भेज रखा है। और मैंने मांग करी है स्वास्थ्य विभाग से, अपने एक हॉस्पिटल ये भी मेरे ग्राम पंचायत में हॉस्पिटल है। और मेरे ग्राम पंचायत में शमशान घाट, मैंने सांसद जी से कह रहे थोड़ा शमशान घाट बनवाया है सांसद निधि से, और एक मेरे शमशान घाट कब्रिस्तान की बोलने वाले थे जी, सांसद निधि से ही आपने मदद ली? हाँ, सांसद निधि जी। यहाँ पंचायत घर के लिए और बारात घर के लिए आप मांग करना चाहते हैं? मैंने मांग करके प्रस्ताव भिजवा दिया जी। यहाँ कोई और समस्या ग्राम पंचायत में ऐसी आपको लगता है कि सरकार ग्राम पंचायत में खास तौर से ध्यान दे? मैंने अभी 5 ग्राम पंचायत सिलेक्ट हुई थी ब्लॉक भगतपुर टांडा में, तो उसमें एक्सकवेट की मांग की थी मैंने, जिसकी मेरी फाइल लखनऊ में चल रही है। मैं सरकार से चाहूँगा कि अगर एक्सकवेट मेरा पास रहता है तो जो मेरा गाँव में छोटी ग्राम पंचायत होने के नाते बजट कम आता है, मिलता है, अगर वो मुझे एक्सकवेट मिल जाता है तो मैं अपने गाँव को और ज्यादा विकसित यहाँ पर करेंगे। जितने भी प्रधान आज तक बने हैं और आगे बनेंगे, सबसे ज्यादा विकास मेरा हो जी। यहाँ जो अब इस बार मोदी सरकार जो कार्य कर रही है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? अच्छा कार्य कर रही है? बिल्कुल, जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, हवाई कुछ नहीं है, बिल्कुल दिख रही है सरकार बढ़िया काम कर रही है, और जो भी काम हुआ है वो जमीनी स्तर पर है, दिख रहा है जी। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास यहाँ इनके द्वारा करवाया जा चुका है, जैसे CC कार्य, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को दिलवाए हैं, ODF भी ये ग्राम पंचायत पूरी तरह से हो चुकी है, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं यहाँ आज भी मौजूद हैं, जैसे कि बारात घर और पंचायत घर को लेकर प्रधान यहाँ मांग करते हैं। कुछ गरीब पात्र यहाँ अभी भी ऐसे हैं जिनके लिए आवासों की आवश्यकता है। यहाँ पर इनकी जो प्रमुख मांग है और एक ये अपनी तरफ से सलाह रखना चाहते हैं कि इन्हें एक्स्ट्रा वेज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पैसा गांव में विकास के लिए आए, क्योंकि ये छोटी ग्राम पंचायत है, कम वोट है, तो हो सकता है इस वजह से यहाँ पैसा कम आता है। इनका मानना है कि यदि पैसा ज्यादा आएगा तो और ज्यादा विकास यहाँ गांव में करवा पाएंगे। अशरफ अली के साथ नाजरीन, टुडे 24। क्या नाम है आपका? सत्यवाल। कहाँ रहते हो? ग्राम सत्यगढ़। ये आप प्रधान द्वारा जो काम विकास करा गया है, क्या इससे सहमत हो आप? विकास से सहमत है, विकास सही हो रहा है। और कुछ कहना चाहोगे? और कुछ क्या, थोड़ी समस्या ये है कि नलों की समस्या है। किस तरह से? कल
करीबन 800-900 के आसपास लंबी जनसंख्या है ना, एक भी नल नहीं है जी सड़क से टाइट में। अच्छा, पेयजल की दिक्कत है। हाँ तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि कम से कम 2 नल तो हो ही जाए।